हे गाइस नमस्ते, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, लाइफ में सबके लाइफ में अनसर्टेनिटी आती है। अब ट्रेडर की बात करते हैं और ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो ये अनसर्टेनिटी आपके ट्रेडिंग पे दिखता है। ट्रेडिंग जब भी करोगे तो अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, कब क्या हो सकता है, आप उसको डील कैसे करोगे। आप एक ट्रेडर हो, आप एक बिजनेसमैन हो, और ट्रेडर ही बिजनेसमैन होते हैं और बिजनेसमैन ही ट्रेडर होते हैं, और जो जॉब करते हैं वो ट्रेडर नहीं बन पाते हैं जल्दी, बहुत स्ट्रगल पीरियड होता है। तो बिजनेसमैन और ट्रेडर और ट्रेडर और बिजनेसमैन एक ही वर्ड है। तो बिजनेस में भी अनसर्टेनिटी आती है, आपके ट्रेडिंग में भी अनसर्टेनिटी आती है, इसको डील कैसे करोगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको डील करने का सबसे बेस्ट तरीका। मैं कभी भी अपने एक्शन से डरता ही नहीं। मैं, आप तो रिजल्ट जानते हो ना, मतलब ये कि आपको ट्रेड लेना है। आप ये मत सोचो कि स्टॉप लॉस आएगा, आप ये मत सोचो कि टारगेट आएगा, पहले आप ट्रेड लेना सीखो। मैं कभी डरता ही नहीं। और आप लोगों को पता है मेरा रिजल्ट, मैंने एक बार मार्केट देख लिया और चार्ट देख लिया तो बता दे दूंगा कि क्या होने वाला है, और आप लोगों ने देख रखा, क्योंकि मैं डरता नहीं हूं कि क्या होगा। यही काम अपने दिमाग में फिट करो, एक्शन लो। रतन टाटा कितने कंजर्वेटिव है और कंजर्वेटिव होकर एक्शन ले लेते हैं, वो नहीं सोचते कि इसका रिजल्ट अच्छा होगा बुरा होगा। मैं भी नहीं सोचता कि रिजल्ट अच्छा होगा बुरा होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। तो मैं उस मनी मैनेजमेंट को फॉलो करता हूं, मैं उस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता हूं कि ये मेरा एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस है, और ये स्टॉप लॉस कटेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, क्योंकि मैं ट्रेडर हूं। और मैं ट्रेडर हूं तो अगर मैं स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करूंगा तो फिर किस बात का मैं ट्रेडर हूं जी। आपको अपनी ट्रेडिंग से डरना नहीं है। मैं फेस करता हूँ, जब स्टूडेंट्स आते हैं, जब लाइव सेशन में बैठता हूँ तो स्टूडेंट्स आते हैं, मैं डर गई। फिर ये नेचर नहीं है आपका ट्रेडर बनने का। आप इसको निकालो, और इसके निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप छोटे 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 ट्रेड करो 3 महीना। आप देखोगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। मैंने यही किया है, आप बात नहीं मानोगे, मैंने कई साल तक ट्रेडिंग छोड़ रखी थी। प्रैक्टिस करता गया, चार्ट देखता गया, उसके बाद छोटे छोटे ट्रेड, एक एक क्वांटिटी, दो दो क्वांटिटी, तीन तीन क्वांटिटी बढ़ाता गया, और ट्रेडर सक्सेसफुल हो गया। टाइम पीरियड लगेगा, मैं कई बार आपके अपने वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि एक ट्रेडर की जर्नी बहुत टफ होती है, टाइम पीरियड लगता है, टाइम पीरियड लगेगा। अब ये मत देखो कि उसने कितना अचीव किया है, आप ये देखो कि आपने कितना अचीव किया है, ठीक है। तो मेरा ये आप सबसे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को फॉलो करोगे, टेक अ स्मॉल एक्शन, टेक अ स्मॉल ट्रेड, लेकिन लो। और जब ये एक्शन लेना शुरू करोगे तो उसी के बीच में ऑप्शन आएगा, वो छोड़ देना, ऑप्शन ट्रेडिंग फिलहाल के लिए बंद कर दो। वो आपके फियर को बढ़ाएगा, वो आपके लालच को बढ़ाएगा, क्लियर। तो ये पहला स्टेप था क्या, कि आपको डरना नहीं। अब मैं दूसरे स्टेप की बात करूंगा। दूसरा स्टेप ये है, अगर हम ट्रेडर बनने जा रहे हैं और अच्छा ट्रेडर, जब तक हम कुछ नहीं जान रहे, जब तक मैं कुछ भी नहीं जानता तब तक सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। अब देख लो, अगर आपको ईजीडब नहीं आता या फिर टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तो आप कोई भी ट्रेड लोगे ना तो आपके फेवर में चला जाता है। ये मार्केट का नेचर है कि पहला है, दूसरा तीसरा ट्रेड जो होते हैं वो आपके फेवर में जाएगा। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता हूं, आपको तो पता ही मैं ट्रेनर हूं, तो मैं ऑब्वियसली मेरे साथ बहुत लोग मिलते होंगे, तो सर मैं तो चार्ट देखता ही नहीं, मैं तो ले लिया वो चल दिया, मेरे लेते ही ट्रेड चलना शुरू कर देता है। ये ऐसा रेगुलर नहीं होता, ये इसको बोलते हैं लक, और यही लक आपको मार्केट में टिकाता भी है, और यही लक आपको मार्केट से दूर भगाता है। तो लक नहीं है, जब तक चीजें नहीं है। मैं भी जानता हूं, जब मैं इलियट वेब पढ़ना शुरू किया तो मैं पहले नहीं जानता था इलियट वेब कि क्या होता है इलियट वेब, लेकिन जब जानने लगा, उस पर प्रैक्टिस करने लगा, तो फिर मुझे पॉसिबिलिटियां दिखने लगी, ये भी हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं। तो करना क्या है, यहां पर करना ये है कि आप नहीं जानते हो कि ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड कैसे नहीं लेना है, तो आप लेना स्टार्ट करो, आप जानना स्टार्ट करो। जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आप कंफर्ट जोन में हो, आप स्टेप लेना शुरू करो, क्योंकि आप नहीं जानते इसलिए आप कंफर्ट जोन में हो। जब जानना शुरू कर दोगे तो आप कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, और बाहर आते ही चीजों को सीखना शुरू कर दोगे, क्योंकि ये आपके पेन होना शुरू कर देगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, कभी भी कोई भी अगर नई चीज सीखोगे और वो आपके लिए जरूरी भी है तो आपका सर
दर्द जरूर करेगा, आप एक बार जरूर टेंशन में आओगे, आपको एक बार जरूर अनकंफर्टेबल सा फील होगा। ये नेचर का नेचर है, ये ध्यान में रखना है आपको। जब भी आप एक अच्छा स्टेप लेने जाओगे अपने लाइफ का, अपने ट्रेड का, तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेंगी। प्रॉब्लम बढ़ना शुरू कर दी है, इसका मतलब आप सही ट्रैक पर आ चुके हो। ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो, आपने बहुत बढ़िया करना शुरू कर दिया है। मैं उसके लिए आपके लिए क्लैपिंग करता हूं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ मूवमेंट हो रहा है, ऐसा कुछ फीलिंग्स आ रही हैं, तो इसका मतलब आपने बहुत सही डिसीजन ले चुके हो, आप बहुत अच्छा ले चुके हो। एक चीज मैं एक चीज बताना ये भी चाहूंगा आप लोगों को, दो हम इंसान हैं और हमारे पास दो फीलिंग है, एक अच्छा फीलिंग है एक बुरा फीलिंग है। हम कोई गलत काम करते हैं, अगर हमें कोई गलत भी काम करें तो उस वक्त हमारा हार्ट बीट बढ़ता है, लेकिन जब हम कोई अच्छा काम करते हैं उस वक्त हमारा हेडक बढ़ता है। ये प्रैक्टिकल है, आप इसको करके देखना। जब भी आप कोई गलत काम करोगे तब का ये हार्ट बीट बढ़ना शुरू कर देगा, इसको इंडिकेशन मिल जाता है कि ये गलत स्टेप है। लेकिन जब आप अच्छा काम करना शुरू कर दोगे तो इसको मिल जाएगा इंडिकेशन, भाई ये अच्छा स्टेप है इसने, और इसके साथ काम करना शुरू कर दो। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं आपको, आप इसको इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो अच्छा और बुरे में। आई होप आपको नया ट्रिक मिल गया। ठीक है, तो क्या कमिटमेंट है? कमिटमेंट ये है कि आप एक अच्छा ट्रेड लेना स्टार्ट करो और आप एक न्यू लर्निंग पर आना स्टार्ट करो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट भी बोलता हूं। ठीक है, इसी तरह मैं आपको तीसरे स्टेप की बात करूंगा कि तीसरा स्टेप क्या करोगे, और लास्ट स्टेप बहुत जरूरी है, सेल्फ एजुकेशन बहुत जरूरी है। आप लाख बुक हायर कर लें, लाख बुक पढ़ लें, लाख मेंटर्स हायर कर लें, लेकिन जब अंदर से इंटेंशन नहीं होगा, जब अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, जब आपको करने का मन नहीं होगा ना, तो ये सब बेकार है। आप दूसरों को ब्लेम देना बंद करो, पहले अपने अंदर के इंटेंशन को बढ़ाओ। जिस तरह से मैंने अपने आप को बनाया है, जैसे मैं इलेवेब को पढ़ता हूं और पढ़ाता भी हूं, फुल कॉन्फिडेंस से बोलता हूं ये होगा, और आप लोग रिजल्ट देखते ही हो। मैं अपने सेल्फ एजुकेशन पर सबसे ज्यादा फोकस करता हूं, और जहां मुझे लगता है कि यहां पर मुझे सेल्फ एजुकेशन काम नहीं कर रहा, यहां पर मुझे मेंटर की रिक्वायरमेंट है, यहां पर मुझे बुक्स की रिक्वायरमेंट है, तब मैं कहां जाता हूं, मैं तब तक मैं अपने आप को तपाना स्टार्ट कर चुका होता हूं। और यही स्टेप आपको करना है, पहले स्टेप तो लो सेल्फ एजुकेशन की, और पहले अपने माइंडसेट को बोल दो कि मुझे ये करने जाना है, मुझे ये अपने सेल्फ एजुकेशन पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने हैं, बजाय बुक्स के, बजाय मेंटर्स के। ठीक है, तो ये तीन स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों स्टेप फॉलो करोगे। ठीक है, ये कमिटमेंट करके जाना, ये कमिटमेंट है आपका, और यही कमिटमेंट आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिखोगे। मैं देखना चाहूंगा कि कितने भाई और बहन ने कमिटमेंट खुद से किया है। ठीक है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि अगर आपने ये स्टेप लेते हो तो। ठीक है, तो मैं आप सबसे विदा लेता हूं। मैं उम्मीद किया हूं कि मैं आपके लाइफ में कुछ एनर्जी दिया है, मैंने आपके लाइफ में कुछ मोटिवेशन वर्ड्स दिए हैं, और ये उम्मीद करता हूं कि आप इंप्रूव करोगे खुद को। ठीक है, जाते जाते आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको सब कुछ आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।